तुझे वीडियो बनानी है इसलिए तू कॉफी बना रही है, हमें नहीं पीनी भाई। ना इंजीनियर साहब ने ना बिल्कुल मेरे को इतनी वो दे रखी है सेफ्टी की, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। अब मतलब ये इन्होंने ग्राइंडर मंगाया है कॉफी बनाने के लिए, अब ना एक रोबोट भी ये मंगाने वाले मेरे लिए ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। मेरा हाथ पैर दबाएगा वो रोबोट। दिख गई शक्ल, दिख गई कितनी गुंडी लगी। तो गाइस अभी चलते हैं टुक्कू के लिए टॉयज लेने, टीवी भी आ गया गाइस हमारे साथ, चलाइए आगे पीछे कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो अच्छे ही होंगे। चले करते हैं दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हो चुकी है। कीवी मेरा जा चुका है स्कूल, और पूजा वगैरह मेरी आज सब हो चुकी है, और मम्मी पापा ना गए हुए हैं बागेश्वर धाम, और लड्डू भी गए हुए हैं। तो थोड़ा ना बहुत खाली खाली महसूस हो रहा है घर में, क्योंकि लड्डू के बिना ना मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और उन्हें 2 दिन हो गए हैं गए हुए को, और इंजीनियर साहब जा रहे हैं कीवी को लेने के लिए, और मैं बोल रही हूँ कि और मैं उनसे बोल रही हूँ कि हमें भी ले चलो साथ में। पता नहीं लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि लड्डू तो है ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ कीवी को लेने के लिए, क्योंकि मैं छोड़ने के लिए जाती हूँ और ये लेने के लिए जाते हैं। हाँ जी चलो हम भी लेके। कोई बात नहीं, आ जाएंगे ना 2 मिनट में, जाना ही तो है बुलेट पे। चले क्या कर सकते क्या कर सकते, चलो। और परीक्षा तो रेडी है ही, चलो जी चलते हैं बुलेट की सैर करने के लिए। साथ के साथ बुलेट की सैर भी हो जाएगी, और कीवी को भी ले आएंगे, और मौसम भी बहुत सुहावना है आज। और गाइस मौसम ना बड़ा, मैंने बोला था ना सुहावना हो रहा है, और बहुत ही मौसम सच में सुहाना हो रहा है। और इनके साथ बुलेट पर बैठ के थे ना और ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। क्या बोला तूने? अभी तो बोलते हो मेरी बुलेट में बैठ के डर लग रहा है, बोलते मज़े आ रहे हैं, कहना क्या चाहती हो? बस जो आपने सुना है मैं वही कहना चाहती हूँ। देखो गाइस मौसम देखो क्या हो रखा है, भाई साहब मजे आ रखे हैं। शाम गुलाबी शहर गुलाबी पैर गुलाबी है गुलाबी ये शहर। आओ खुशबू आई ब्रेड पकौड़े की, भाई इन्होंने तो ब्रेकफास्ट भी किया है गाइस अब तक। ब्रेकफास्ट का ब्रेड पकौड़े से ब्रेकफास्ट कराओगे? कर लो हम भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तक तो डाइटिंग चल रही है मेरी यार, कभी कभी तो चीटे हो सकता है। कैसे हो कीवी? है हम भी आए हैं आज आपको लेने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक हो? और प्रीशा भी आई है ना, प्रीशा भाई को लेने आए हो? मुझे आंटी जो वो भाई। प्रीशा को तो बस आइसक्रीम चाहिए। बोलो। 10 साल भाई मामा मुझे लेने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रीशा भी आई है, मजा आ गया। ये टीथ पे क्या हुआ, क्या पेंट लगाया तूने? शॉर्ट भी देखो प्यासे करके लाया थी। दोस्तों मैंने अपने टीथ पे पेंट लगा लिया है खा के उसे। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या दिखाओ पेंट कौन खाता है? मैं। ओ गाइस इसने पता नहीं ये दांत कैसे पीले कर लिए, अब देखेंगे घर जाए कैसे छूटेगा इससे कलर। और गाइस देखिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं बच्चे, आइसक्रीम लेके दो चीज चाहिए तुम्हें। मैं खा लेती हूँ पीछे बैठ के इसकी आइसक्रीम, घर जाके देखना फिर कितना रोएगा। तो गाइस देखिए इनका मन ना माना नहीं है, और हमें ले आई है हलवाई की दुकान पे। चीटिंग करता है तू। कितने चाहिए? 2 बहुत है। हाँ 2 ले लो। 2 पनीर के ब्रेड पकौड़े और 2 समोसे का। और गाइस ये है क्योंकि इन्होंने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं करा ना, तो इनका मन कर रहा होगा ये खा लूँ वो खा लूँ, तो अब इनकी ना आज चीट डे हो ही गया। तो गाइस मैंने आते के साथ ही ब्रेड पकोड़े और समोसे नहीं खाए। गाइस देखो मैं अपना दिन स्टार्ट कर रहा हूँ एप्पल से, और गाइस प्रीशा भी एप्पल खा रही है। कैसा लगा प्रीशा एप्पल? तो गाइस प्रीशा नाराज है मुझसे, क्योंकि मैंने उससे आके आइसक्रीम छीन ली है, आइसक्रीम नहीं दी क्योंकि वो थोड़ी मेल्ट हो गई थी, अभी फ्रीजर में रखी है, थोड़ी देर बाद दे देंगे उसको। तो अभी खाते हैं एप्पल। गाइस देखिए 1:30 बजे इनका चल रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आपको पता ही है ब्रेड पकौड़े समोसे। तुम भी कर लो गाइस, मजा बहुत टेस्टी है। नहीं टेस्टी तो लग रहा है देखने में, सब्जी भी है। और देखो प्रीशा कुछ खाएगी नहीं, फिर भी ब्रेड पकौड़ा भी रखवा लिया और समोसा भी रखवा लिया अपने प्लेट में। और गाइस अभी जब ये खा लेंगे पता है इनका क्या रिएक्शन होगा? यार नहीं खाना चाहिए था, बहुत ऑयली है, नहीं खाना चाहिए था। यहाँ पे आ गए मेरे भाई और बोल रहे हैं कि हमें कॉफ़ी पीनी है, तो अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ। तुझे वीडियो बनानी है इसलिए तू कॉफी बना रही है, हमें नहीं पीनी भाई। हाँ
बना रही हूँ कैपुचिनो कॉफी। गाइस देखिए ये बन रही है, अपने भाइयों के लिए बना रही हूँ मैं कैपुचिनो कॉफी। नहीं भाई हमें नहीं पीनी, तुझे वो लोग बनाना है इसलिए तू बना रही। गाइस यार कितना बोल रहा है, मतलब खा पी के आया भाई, पेट भर के, मुझे नहीं पीनी इसे लोग बनाना। चल तू देख ले, कोई नहीं मैं पी लूंगा। इंजीनियर साहब ने ना बिल्कुल मेरे को इतनी वो दे रखी है सेफ्टी की, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। अब मतलब ये इन्होंने ग्राइंडर मंगाया है कॉफी बनाने के लिए, अब ना एक रोबोट भी ये मंगाने वाले मेरे लिए ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। मेरा हाथ पैर दबाएगा वो रोबोट। दिख रही है शक्ल, दिख रही है कितनी बुंदी लग रही। तो गाइस मैं तो बनाने वाली थी हॉट कॉफी, बट भाई ने मना कर दिया, बोल रहा है कि मेरे को कोल्ड कॉफी चाहिए। तो गाइज टुक्कू का बर्थडे चला गया है, हमने ना टुक्कू को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है और अब हम जा रहे हैं उसका बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि आज इंजीनियर साहब का है ऑफ, तो हमें मिल गया है टाइम बाहर जाने का। तो आज चलते हैं, चलो टुक्कू का हम गिफ्ट लेके आएंगे। मैं क्या लाओगे गिफ्ट? सरप्राइज। ओ माई गॉड, कभी क्या लाओगे भाई के लिए? भाई के लिए पता नहीं। पता? ओ भाई के लिए मैं पता लाऊंगी। ओके। भाई पता नहीं आएगा इधर, मैं पाऊंगी। ओके। और गाइस यहाँ पे नीचे आ गए ना, पार्टी चेंज हो चुकी है, अब हमारे देवर जी जा रहे हैं और पति जी जा रहे हैं टुक्कू के लिए टॉयज लेने के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं टुक्कू के लिए टॉयज लेने, टीवी भी आ गए गाइस हमारे साथ, अनुज कर रहा है ड्राइव। हो गए कुछ बच्चे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हमें, वो पीछे आ रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है कीवी व्लॉग, कीवी व्लॉग KIWI व्लॉग, ठीक है। तो गाइस ये बच्चे तो हमारा पीछा कर रहे हैं। गाइस रोड पे आज ट्रैफिक बहुत है, पता नहीं क्यों ट्रैफिक है चारों तरफ, गाइस चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ इधर उधर से घुसे जा रही हैं, घुसे जा रही हैं। पता नहीं कौन से टॉयज की शॉप पे लेके जा रहा है। तो गाइस आ गए हैं टॉयज सेंटर पे, तो बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है इसमें। टॉयज दिखा दो, साल के बच्चे का टॉय दिखा दो, कुछ अच्छे के लिए, 5 साल के बॉय के लिए चाहिए। एक तो बास्केटबॉल वाला, ये देखो ये ट्रक वगैरह दिखा दो ना, वो मॉन्स्टर ट्रक या बाइक हो वो दिखा दो। तो गाइस ये तो गाड़ी थी टुक्कू के पास, अभी ये नहीं लेते, उसके लिए कुछ और देते। भाई थी, तोड़ चुका है, अब तोड़ चुका है ये वाली गाड़ी तो। नया हुआ कि भी ओए गाइस ये तो बोल भी रही है। बस तो गाइस आ गया मॉन्स्टर ट्रक, ये ठीक लग रहा है वैसे। इससे बड़े में है कोई या इसे अगर मैं और कार दिखाते कोई मर्सिडीज, वो सामने एक रखा था पीला सा डब्बे में, क्या प्राइस क्या है और उसका बट दिखा वो बोला बड़ा दिखाओ। तो भाई शॉप पे आ गए, हो जाते हैं थोड़े से कंफ्यूज क्योंकि यहाँ गाइस देखो इतने सारे टॉयज हैं, क्या लें टुक्कू के लिए। और ये आ गया मॉन्स्टर ट्रक बिग साइज वाला गाइस देखो। तो गाइस अभी इस गाड़ी का डेमो लेते हैं कैसे चलाते हैं, डेमो करके दिखाएंगे। तो गाइस खुल गया है यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक, क्या मॉन्स्टर ट्रक ही बोलेंगे ना भाई इसको। ओ भाई ये तो, ये भी हमने देखी थी ना, अच्छी चल रही गाड़ी, लेफ्ट राइट करने के लिए गाइस ये स्टीयरिंग है, रिमोट कंट्रोल ऐसे ऊपर को चढ़ाओगे तो वो भी चलेगा। अच्छा ऊपर को रिवर्स, ये वीडियो बनाने के लिए लेफ्ट राइट, देखो बेहतर है अरे पैर में चलो। तो गाइस गाड़ी तो बहुत अच्छी है गाइस, ये इसका रिमोट कंट्रोल है, ये स्टीयरिंग लेफ्ट राइट करने के लिए, ये ऑन करने के लिए, और
यहाँ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो गाड़ी पसंद आ गई, ये सही लग रही है, ये ले लेते हैं। रेट लगो। चलो जी, गाड़ी पसंद आ गई, अब ये ले लेते हैं, फाइनल हो गई। इसमें चार्जेबल है? हाँ, वो तो पता है। सेल है? अच्छा, इसमें सेल है। चार्ज कैसे होगी? चार्ज वो सेल से वो बैटरी निकाल के। तो भाई इसमें क्या होता है ना, तो भाई इसमें यहाँ पे ना जो बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी निकाल के चार्ज करनी पड़ेगी, स्क्रू खोल के बैटरी निकालनी पड़ेगी तब चार्ज होगी। और इसमें डलते हैं सेल रिमोट कंट्रोल में। चलो ये पैक कर दो इसमें। तो गाइस कीवी डिमांड कर रहा था स्कूटर की, लेकिन अब टुक्कू के लिए भी स्कूटर देख रहे हैं। तो गाइस ये है पूरा मेटल का बना हुआ है गाइस, ये पूरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टायर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके। स्कूटर तो मेरे को सही लग रहा है ये, लेकिन अब ये कह रहा है कि एक सिंगल टायर वाला आता है, वो दिखाओ पहले। सिंगल टायर वाला देख लेते हैं अभी, इसके छोटे टायर होते हैं। तो गाइस अनुज को ये भी पसंद नहीं आया, भाई से रखवा दिया है अभी फिलहाल। बकवास है, इंडियन है, इंडियन मेटल का बना हुआ है। कैसा लगा? बेकार है। टीवी को पसंद आया? इसको भी पसंद नहीं आया। अब भाई ने ये दिखाया प्लास्टिक का। नहीं, मजबूत नहीं है, उधर मत जा। अबे भैया हाथ जाना रोड पर, मजा नहीं आ रहा। नहीं पकड़ के देखना सही तो है। ये है देख भाई, नया फीचर है, इसमें देख स्टीयरिंग ऐसा मुड़ता है, नीचे देखा ना, ये देखो भाई, ये भाई इसका स्टीयरिंग ऐसा मुड़ेगा। लेकिन मेरे को हल्की क्वालिटी का लग रहा है यार ये। कितने का है? अरे है, ये देखो गाइस चला रहे हैं। 50 किलो कैपेसिटी है, ठीक तो है। 50 किलो कैपेसिटी है। तो इसमें दूसरा मॉडल देख लेते हैं एक बार, कोई है तो भाई इसमें दूसरा है कुछ? इसी में दूसरा मॉडल दिखा दो कोई और डिज़ाइन में। तो गाइस इनके पास इसमें एक ही मॉडल बच रहा है, बाकी लोहे वाले हैं। तो गाइस स्कूटर का एक मॉडल होने की वजह से अभी हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं, वहाँ पर मॉडल देखेंगे, अगर वहाँ पसंद आ गया ठीक है, अदरवाइज फिर वापस नहीं आएंगे। तो गाइस आ गए हैं दूसरी दुकान पे, वहाँ पे पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पे मॉडल कम थे। तो यहाँ पे देखते हैं, जल्दी आ जा। तो चलो ऊपर ऊपर। तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं इस दुकान में। सीक्रेट शॉप तो भाई सब प्रमोशन करा रहे हैं पहले ही। तो गाइस अपनी गिफ्ट शॉप दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक से एक गिफ्ट है यहाँ पे। मैं पैसे आ चुका हूँ आपकी दुकान पे पहले। अच्छा। पहले हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे। थैंक यू भैया। तो गाइस बाहर से भी मैं दिखा दूंगा दुकान कैसी, क्या नाम है दुकान का। मैंने अभी दिखाया नहीं दुकान क्या नाम है, लेकिन बाहर से दिखाऊंगा अभी मैं। ये लोहे में है, वो आयरन पूरा बना हुआ है लोहे में, ये प्लास्टिक का लोहे में नहीं चाहिए भैया। बच्चों के लिए आता है ना प्लास्टिक में, लोहे तो लग लगा जाए, कहीं चोट पैट लग जाए लड़के, कहीं गिर जाए हाथ पैर कट जाए, प्लास्टिक से तो बच जाएगा वो। नहीं सर, वो वाली तो। तो गाइस यहाँ पे भी स्कूटर नहीं मिला है, और फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल वहीं चलते हैं, स्कूटर लेते हैं और ख़त्म करते हैं बात, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, कलर ले लेते हैं। तो गाइस अभी आए थे हम वर्धमान जनरल स्टोर पर, और यहाँ पर हमने टॉयज जो दिखाए थे, गिफ्ट दिखाए थे, यहीं से देखे थे। तो गाइस हमने टुक्कू के लिए टॉयज ले लिए हैं, और कीवी के लिए भी ले लिए हैं, एक घर जाके दिखाएं क्या लिया है कीवी के लिए। तो गाइस देखो मैं परीक्षा के लिए लेके आया हूँ चकला बेलन, क्योंकि ये रोटी बनाना बहुत पसंद है इसको। कैसा लगा? तो परीक्षा खुश हो गई गाइस। और देखो बहुत सारी गाड़ी। और कीवी के लिए लाया हूँ मैं गाड़ी, पोर्शे गाड़ी, पोर्शे गाड़ी, इसको पोर्शे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस। पोर्शे क्या? और मैं अपने लिए आया हूँ पत्ते कार्ड, और मेरे लिए, तुम्हारे लिए बाबा का ठुल्लू। मुझे तो हमेशा बाबा जी का ठुल्लू ही मिलता है। ये लो आपके, आप ये रख लो। मैं क्या करूँगी गाड़ी का, चला लेना। और गाइस देखे चकला बेलन आते ही ना प्रीशा ने मुझसे आटा मांग लिया है, और मैंने आटा दे दिया है। देखो प्रीशा की रोटी, अरे बाप रे प्रीशा की रोटी। प्रीशा आपको तो रोटी बनानी आती है, तो डैडी के लिए ना आप ही खाना बनाया करना। प्रीशा बना दोगे डैडू के लिए खाना? ओए मम्मा को भी दे दोगे? ओ भाई टक्कर मार दी कैमरे में।
और गाइस देखिए हमारा टुक्कू आ चुका है और हमारे टुक्कू की थोड़ी तबीयत खराब है। देखो इसके हाथ में कैनुला लगा है, ये रोज डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि इसको ड्रिप चढ़ती है। और हम टुक्कू के लिए लाए गिफ्ट, अब टुक्कू ही खोलेगा गिफ्ट। ये भी रुक जा, आराम से आराम से। कोई बात नहीं, दोनों खोलो, कोई बात नहीं, खोल लेंगे, खोल ले आराम आराम से। हाथ में ना लग जाए इस लड़के के। कैसा लगा? चलता भी है। और क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टुक्कू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल जा, आराम से। ये शायद आप उल्टा चला रहे हो, इस वाले पैर से चलेगा शायद। कौन से? उस वाले से। हाँ टुकू आराम से। दोस्तों टुकू के बर्थडे पे हम टुकू को गिफ्ट नहीं दे पाए क्योंकि उस दिन तो दुकान बंद थी। हमने उसका केक रात को काटा था, उसका केक, ठीक है, इसलिए हम उसका गिफ्ट नहीं ला पाए। आज तो ला लिया मैंने उसका गिफ्ट। पता क्या था? वो जो मेरा फेवरेट था ना स्कूटर चलाने वाला, एक पैर से वो था, उसको भी गिफ्ट पसंद आ गया। हमको भी गिफ्ट पसंद आ गया। तेरे दोस्त सब लोग करते हैं, आए बापू मैं ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लाइक कर दे रे, शेयर कर दे रे, सब्सक्राइब कर दे रे, सो जाओ रे, बाय बाय।